जिस किसी ने भी सोचा कि ऐसा ग्लास का एक्वेरियम बना सकते हैं या एक बॉक्स ऐसा बना सकते हैं उसमें मछली रख सकते हैं, उसने ये तो नहीं सोचा होगा कि ये हॉबी इतना बड़ा होगा, चांस ही नहीं है। उसने एक आइडिया तुक्का मारा, लेकिन क्या सोच है बस, और हॉबी इतना बड़ा, इतना ऑप्शंस। आज हम आपको बताएंगे कि घर में एक्वेरियम कैसे बनाते हैं, क्या साइज के ग्लास चाहिए, कैसे कटवाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा सिलिकॉन यूज करना चाहिए, वो सब आज के वीडियो में दिखाएंगे। आपको शांति से लास्ट तक देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर एक अच्छा एक्वेरियम बनाना है, और वो भी घर में। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले क्यों ना आप फटाफट सब्सक्राइब करो और वो नोटिफिकेशन बेल दबाओ, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो एक एक्वेरियम बनाने के लिए टोटल नीचे का एक, दो फ्रंट, पीछे का तीन और दो साइड्स, चार और पांच ग्लास का जरूरत होता है। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। हमें यह पहले जानना है कि कौन सा साइज का एक्वेरियम हमें बनाना है। तो आज मैं जो साइज आपको बना के दिखाने वाला हूं ना, वो 2 feet by 1 feet by 40 centimeters, ओके, लिटिल मोर देन 1 feet, बिकॉज वो साइज मेरे को चाहिए। तो उसके लिए लेंथ हुआ 2 feet या 60 centimeters, ब्रेथ हुआ 30 सेंटीमीटर या 1 feet, हाइट हुआ 40 सेंटीमीटर या लिटिल मोर देन 1 feet। सो 1 feet इज 30 सेंटीमीटर, वी आर यूजिंग 40 सेंटीमीटर बिकॉज वो हाइट चाहिए मेरे को। ओके, कोई भी काम हो, पहले जो भी जरूरत की चीजें हैं वो रेडी रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ काम करके फिर जाके ढूंढना नहीं, ठीक है, इट शुड बी रेडी। हमें तो पहले चाहिए ग्लास। ग्लास में क्या इंपॉर्टेंट है, जो हम मेजरमेंट्स लेके कटवाते हैं, मैं एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आपको बताऊंगा और क्यों कैसे वो बताऊंगा अभी। ग्लास जब हम कटवा के लाते हैं तो ये याद रखना है कि ये जो साइड्स है वो शार्प नहीं होना चाहिए, मतलब इसको हम ग्राइंडिंग बोलते हैं या बफिंग बोल सकते हैं, शैम्फरिंग बोल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि एजेस ग्राइंड हो जाए, नहीं तो हाथ में लगेगा और कट भी सकता है, या घर में कोई टैंक पे ऐसा हाथ लगाया तो स्मूथ होना चाहिए, बच्चे भी लगा सकते हैं, अगर रफ है तो कट सकता है। दूसरा हमें चाहिए मार्कर, टेप लगाने के लिए, कपड़ा, हाथ में सिलिकॉन लगेगा साफ करने के लिए। सिलिकॉन के लिए अगर न्यूज़पेपर भी है तो चलेगा, ये कपड़ा फेंकना पड़ेगा बाद में, ये काम का नहीं है, तो ऐसा कपड़ा लो जो काम होने के बाद फेंक दे, नहीं तो न्यूज़पेपर यूज करना, वो भी उतना ही अच्छा काम करता है। एंड ऑफ कोर्स सिलिकॉन कौन सा यूज करना चाहिए, ये बहुत लोग पूछते हैं। दो कंपनी है जो इंडिया में मिलता है, एक है डाउ, DOW नीचे लिखा है देख लो, और दूसरा है वैकर, WACKER। ये दो ब्रांड अगर मिलता है तो एक्वेरियम के लिए यूज कर सकते हैं। याद रखो, कोई भी जो सिलिकॉन इंडिया में मिलता है ये एक्वेरियम के लिए नहीं बनता है, ये बनता है विंडोज के लिए, ग्लास डोर्स के लिए, उनके लिए बनता है, लेकिन अच्छा है, यूज कर सकते हैं ये वाला दो ब्रांड। इनमें लिखा भी होता है कि किसके लिए यूज है,
दूसरा ये लिखा होता है वेदर प्रूफ। अगर वेदर प्रूफ है तो ज्यादा बेटर है एक्वेरियम के लिए। सिलिकॉन गन जरूरी है। अभी ये अगर आप सिर्फ एक एक्वेरियम बना रहे हो तो पता नहीं ये रेंट पे मिलता है कि नहीं, मिलता होगा। अगर नहीं भी मिलता है तो ज्यादा महंगा नहीं है, आप ले सकते हो, बट इसके बिना लगाना बहुत मुश्किल है, आपको सिस्टमैटिकली इवनली नहीं आएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कहां से कैसे फिट होगा, सिलिकॉन कैसे डालते हैं, ये टेप कैसे डालेंगे, कहां डालेंगे, क्यों डालेंगे, ये सब देखेंगे। ओके, अभी ग्लास का प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है, ठीक है, कि कितना एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा, क्यों होगा। अभी ज्यादातर अगर आप एडीए का टैंक्स ले तो वो ग्लास को साइड में रखते हैं एंड फ्रंट में भी साइड में रखते हैं, मतलब सेंटर ग्लास अंदर होगा और बाकी का ग्लासेस अराउंड द सेंटर ग्लास। ओके, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट करने वाले, फ्रंट और बैक का जो ग्लास है हम साइड से चिपकाएंगे सेंटर ग्लास को, और जो साइड्स का ग्लास है लेफ्ट साइड और राइट साइड ऊपर से चिपकाएंगे। ओके, एंड इसके हिसाब से अभी मेजरमेंट कम होने वाला है। कितना कम होने वाला है, वो ग्लास का थिकनेस जितना कम। तो ये ग्लास जो है ये 6 mm का है, ठीक है। नाउ मेजरमेंट में थोड़ा करेक्शन होगा बिकॉज ग्लासेस अभी फाइनल जो मेजरमेंट है 60 cm by 30 cm by 40 cm का फाइनल टैंक चाहिए हमको, मतलब आउटर। बाहर का मेजरमेंट ये है, मतलब अंदर थोड़ा थोड़ा कम होगा, 6 mm या 6 mm डिफरेंस होगा। जैसे कि ये वाला साइड ग्लास में 6 mm हाइट में कम होगा बिकॉज ये ऊपर बैठ रहा है ग्लास के ऊपर, तो ये 6 mm निकालना पड़ेगा। बॉटम के ग्लास में ये साइड और ये साइड में ग्लास बैठेगा, तो यहां पे 6 mm, यहां पे 6 mm, 12 mm कम होगा। लेकिन जो साइड के ग्लास है, ठीक है, वो पूरा होगा, उसमें कम कुछ नहीं, बिकॉज ये पूरा बाहर से बैठ रहा है कि नहीं। अभी अभी जब आप लेके आते हो दुकान से तो पहला चीज क्या करोगे, पहला चीज आप मेजर करोगे, ठीक है, मेजर करके ये तय करोगे कि वो मेजरमेंट करेक्ट है। ये रबिंग वगैरह जो करते हैं ना, बफिंग या जो भी बोलते हैं, ग्राइंडिंग, उसके बावजूद भी जो आपको मेजरमेंट चाहिए वही मिलना चाहिए। तो ये याद रखो ग्लास खरीदते टाइम। एक और सिंपल मेथड है, आप एक्वेरियम जो ग्लास काटते हैं वो दुकान में जाओ, कोई भी एक्वेरियम शॉप्स के बाजू में ना, अभी जैसे अपना कुर्ला मार्केट में 2-3 शॉप है जो सिर्फ ग्लास काट के देंगे एक्वेरियम के लिए। अगर आप उनके पास जाओगे और बोलोगे मेरे को 2 feet टैंक चाहिए बाय 1 feet टैंक चाहिए, उसके हिसाब से रेडी ग्लास आपको काट के जो ग्राइंडिंग करके दे देंगे। अभी ग्लास कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा ग्लास यूज करना चाहिए, इंडिया में ऐसा कोई भी ग्लास नहीं बनता एक्वेरियम के लिए, सब ग्लास बनते हैं अगेन विंडोज के लिए, कार विंडस्क्रीन के लिए, उनके लिए बनता है, शॉप्स डिस्प्ले में जब आप जाते हो कोई भी वॉच का शॉप वहां पे डालने के लिए, सिर्फ ग्लास उसके लिए ही बनता है, एक्वेरियम के लिए नहीं बनता है। हमने यहां पे यूज किया है एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास, मतलब जो भी क्वालिटी है उसमें बेस्ट है, ठीक है। आप अगर ऐसे शॉप में जाओगे जहां पे एक्वेरियम के लिए ग्लास कटते हैं या रखते हैं, तो उनको अगर आप बोलोगे एक्स्ट्रा क्लियर, बेटर क्वालिटी, गुड क्वालिटी, वो आपको दे देंगे। प्राइसिंग अलग अलग है ग्लास का, आप देख के आपके हिसाब से ले लेना। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो ग्लास है ना
ये 6 mm का thickness है, ये 6 mm है, और यहां पे ऐसा बैठने वाला है बॉटम ग्लास पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको मार्क करेंगे, इसलिए हमारा स्केच पेन और स्केल हमें चाहिए 6 mm, ठीक है, ये mm है, सेंटीमीटर से छोटा mm, ठीक है, ये इंच यहां पे नहीं, ये वाला छोटा वाला, तो ये हम लेके हम इसको 6 mm यहां पे मार्क करने वाले हैं, ऐसा सेम हम यहां पे भी मार्क करेंगे, और यहां पे आप इजी करने के लिए आप एक लाइन भी कर सकते हो, अभी ये मार्किंग आ गया, यहां पे हम टेप डालेंगे, ठीक है, ताकि सिलिकॉन सिर्फ ये एरिया में बैठे, जरूरी चीज है। अभी अगर आपके पास स्केल नहीं है या आपको डाउट है कि आपका मेजरमेंट ठीक आ रहा है कि नहीं, तो आप सीधा ग्लास रख दो, ठीक है, ग्लास 6 एमएम का है, एज टू एज करेक्ट होना चाहिए, सीधा पकड़ो और आपके स्केच पेन से आप लाइन ड्रॉ कर लो, काम हो गया। अभी अगला काम क्या है, टेप डालना, ओके, जहां पे हमने लाइन डाला है ना, एग्जैक्टली वो लाइन पे इतना गैप छोड़ के हम टेप डालेंगे, ठीक है, तो ये गैप रह गया, यहां पे सिलिकॉन आएगा और ये कटेगा एग्जैक्ट ग्लास पे, यहां पे भी अभी ये कट गया, तो ये हो गया। नाउ ये साइड, ये फ्रंट साइड या बैक साइड, करेक्ट, तो ये साइड में ग्लास साइड में बैठने वाला है, ठीक है, अगेन ऊपर नहीं बैठेगा, साइड में बैठेगा, ये वाला ग्लास ऊपर बैठने वाला है, जो साइड वाला ग्लास है, फ्रंट और बैक वाला ऐसे साइड में बैठने वाला है, तो बॉटम ग्लास में इधर आपको गैप नहीं चाहिए सिलिकॉन के लिए, तो साइड्स में एग्जैक्टली ग्लास के एज पे आपको टेप लगेगा, और ये गैप संभालना, बिकॉज आपको बाहर नहीं आना चाहिए, तो एग्जैक्ट ये साइड पे लग गया और ये यहां पे लग गया, यहां पे थोड़ा टेप एक्स्ट्रा है, तो हम ये टेप निकाल देंगे, करेक्ट, तो ये पक्का हो गया अभी, तो अभी ये टेप लग गया, ये वाला साइड ग्लास है, साइड ग्लास में सिलिकॉन नीचे लगने वाला है और यहां पे लगने वाला है, तो साइड ग्लास ऐसे बैठेगा, ठीक है, और ये रहा फ्रंट ग्लास, फ्रंट ग्लास में ये साइड में भी साइड ग्लास बैठेगा और ये यहां पे बैठने वाला है, तो टेप अंदर है, 6 mm गैप है, तो ये ऐसा बैठेगा, यहां पे टेप अंदर है और गैप है सिलिकॉन के लिए, तो ये साइड में बैठेगा, और जो साइड वाला ग्लास है सिलिकॉन साइड में बैठेगा, ताकि यहां पे और यहां पे चिपके, तो ये ग्लास ऐसे बैठने वाला है, तो ये पोर्शन में ये पूरा लॉक होएगा, ये साइड ग्लास ऊपर है, बॉटम ग्लास है, और ये फ्रंट ग्लास है, फ्रंट ग्लास साइड में बैठ रहा है, बॉटम ग्लास के साइड में या बाहर, और साइड ग्लास बॉटम ग्लास के ऊपर बैठ रहा है, ये जॉइंट है, ओके, तो अभी हमारे पास टेप डाल के 1, 2, 3, 4, 5 ग्लास रेडी है, मतलब बॉटम ग्लास, फ्रंट एंड बैक और साइड्स, ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं, ये साइड ग्लास जो है बॉटम ग्लास के ऊपर बैठने वाला है, इसलिए हमने टेप बिना गैप दिए पूरा टेप लगाया है, बिकॉज सब ग्लास आके ये ऊपर बैठ गया, फ्रंट ग्लास ऐसे बैठेगा तो सिलिकॉन यहां पे आया, बैक ग्लास ऐसे बैठ गया तो सिलिकॉन साइड में आया, तो इसमें हमने बिना गैप दिए पूरा टेप डाल दिया है दोनों साइड ग्लास में, 1 और 2। नाउ ये फ्रंट एंड बैक ग्लास में, बिकॉज
ये ग्लास जो है बॉटम ग्लास के साइड में बैठेगा, ऊपर नहीं बैठेगा, साइड में बैठेगा, और बैक ग्लास का भी साइड में बैठेगा, ऊपर नहीं, साइड में बैठने वाला है, और ये ग्लास को ऐसे जॉइन होने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने गैप 6 mm गैप देके टेप लगाया हुआ है, और वो गैप में ही सिलिकॉन डालने वाला है ताकि वो सिलिकॉन बाहर ना आए, और जब हम टेप निकाल दें वो फिनिशिंग बहुत सुंदर दिखे, ओके, गंदा ना दिखे और सिलिकॉन इधर उधर ना हो, ओके। चलो अभी सिलिकॉन डालते हैं। तो अभी हमारा ग्लास सब रेडी है, टेप डाल दिया है, ग्लास साफ हो गया है, सिलिकॉन को रेडी करके गन में फिट करने का टाइम आ गया है। अभी सिलिकॉन जो बॉटल है वो ऐसे आता है, आपको दुकान में ऐसा मिलेगा, उसका ऊपर का नॉजल हम खोलेंगे और अगर अंदर देखेंगे तो वो पूरा ब्लॉक्ड होता है, उसको हमें काटना पड़ता है। ऊपर का हमने ऐसा ब्लेड में काट दिया, अभी अंदर का सिलिकॉन दिख रहा है, और जब आप ब्लेड में काटते हो तो हाथ संभाल के काटना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी नॉजल को वापस फिट कर देंगे, नॉजल टाइट बैठना चाहिए। अभी नॉजल फिट करने के बाद नॉजल का जो छेद है वो बहुत पतला होता है और हमें ग्लास फिक्सिंग के लिए थोड़ा मोटा चाहिए, तो नॉजल को ऊपर से 1 cm और काटने वाले हैं। वो 1 cm है और हम उसको काट देंगे ताकि वो नॉजल का होल बड़ा हो जाए और हमें गाढ़ा सिलिकॉन बाहर आए। तो अभी आता है सिलिकॉन का गन, ओके। इसके बीच में एक रॉड है, हम इसको बाहर खींच लेंगे और सिलिकॉन का जो कैन है इसके अंदर ऐसा फिट करके वो रॉड को पीछे से दबाएंगे। अभी पीछे से जब आप दबाओगे, जैसे घर का कोई सिरिंज होता है, डॉक्टर इंजेक्शन देता है ना, सेम सिस्टम है, ट्रिगर जब दबाएंगे तो सिलिकॉन बाहर ऐसा आएगा। तो अभी हमारा सिलिकॉन का गन रेडी है, और ये वाला जो है, जो पहला ग्लास हम डालेंगे वो फ्रंट ग्लास है, और फ्रंट ग्लास में हमने टेप के बीच में गैप दिया था बिकॉज वो साइड में बैठने वाला है, तो वहां पे हम सिलिकॉन डालेंगे और पूरा डालेंगे विदाउट एनी गैप्स, और वो पूरा अच्छे से, एयर बबल्स भी नहीं होना चाहिए। अभी दूसरा जो है हम साइड ग्लास का साइड में लगाएंगे या बॉटम के साइड में लगाएंगे ताकि ये दूसरा पीस बैठ जाए, और साइड में भी लगाएंगे बिकॉज हम फ्रंट ग्लास के साथ भी चिपकाने वाले हैं। तो अभी हम फ्रंट ग्लास को बिठाएंगे ऐसे फ्रंट से, और वो सिलिकॉन बाहर से ऐसा चिपकेगा, थोड़ा सिलिकॉन बाहर आ रहा है, टेप के ऊपर आ रहा है, वो कोई इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम पकड़ेंगे और अभी साइड का जो ग्लास है ऊपर की तरफ बिठाएंगे, और वो फ्रंट ग्लास जो है वो भी चिपकेगा। अभी एक कॉर्नर हमारे लिए सेट हो गया, ये आपको बाहर की तरफ से दिख रहा है, साइड का ग्लास ऊपर बैठा है, फ्रंट का जो ग्लास है वो सामने से बाहर से बैठा है। अब इन दो ग्लास को होल्ड करने के लिए थोड़ा सा टेप डालेंगे, बाहर से ये टेप डालेंगे ताकि दोनों ग्लास पे चिपके और वो ग्लास अपने जगह में रहे ताकि हम लोग बाकी काम कर सके, एक नीचे एक ऊपर, दोनों तरफ से टेप आ गया। अभी फिर से जॉइंट देखते हैं, जॉइंट बैठा है, एक्स्ट्रा सिलिकॉन जो बाहर आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम क्लीन करेंगे, मैं दिखाता हूं आपको कैसे क्लीन करते हैं। तो अभी एक और ग्लास पे साइड पे सिलिकॉन डालेंगे, सिलिकॉन डालते टाइम ये देखो थिकनेस बहुत जरूरी है, उसमें ना एयर बबल्स है ना कुछ है, पतला नहीं डालने का, थोड़ा गाढ़ा होने का,
नीचे उंगली दे के आराम से डालेंगे तो अच्छा सा और नीट सा आएगा। तो सिलिकॉन लग गया और ये तीसरा साइड हम बिटाने वाले हैं, पीछे से बिटाएंगे आराम से मार्किंग करके ताकि वो बैठ के लॉक हो जाए। ये जो सिलिकॉन हम यूज करते हैं ना, डाउ क्रॉनिंग या वैकर जो है, ये फास्ट ड्राई सिलिकॉन है, मतलब फटाफट ड्राई होता है। फिर भी हमें टैंक को एक 24 to 48 hours छोड़ना पड़ेगा। अभी जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एयर बबल है, अगर हम इसे छोड़ेंगे तो आगे जाके पानी लीक हो सकता है, तो इसके लिए हम टेप डालते हैं। तो टेप डालते टाइम ये पोजिशन देख के हम थोड़ा खींच के जब टेप डालेंगे तो वो पूरा एयर बबल निकल जाता है, आपको अभी कोई भी गैप या बबल नहीं दिख रहा है। इसमें थोड़ा भी एयर बबल या गैप नहीं है, आपको नजर आ रहा है। तो अभी हमारा टैंक का राइट साइड, फ्रंट साइड और लेफ्ट साइड का ग्लास लग गया। अभी हमें लगाना है पीछे का ग्लास, सिर्फ एक ही साइड का ग्लास बचा है, ये वाला, ये हम अभी लगाएंगे। अभी जैसे आपको दिख रहा है ये लास्ट वाला ग्लास है, पांचवा ग्लास, और बैक साइड वाला ग्लास है। हमने टेप 6 mm गैप छोड़ के डाला है, आपको क्लियरली नजर आ रहा है, बिकॉज ये पूरा ग्लास बाहर की तरफ से बैठने वाला है। जैसे संदीप दिखा रहे हैं आपको, ये बाहर के तरफ से बैठने वाला है, तो सिर्फ सिलिकॉन लगा के ऐसा बिटा देना है बस। चलो सिलिकॉन लगा देते हैं, पहले नीचे की तरफ डाल दिया। अगेन फिर से मैं बता रहा हूं, प्रेशर होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, इसमें एयर बबल्स नहीं आना चाहिए और रुक रुक के नहीं डालना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सिलिकॉन में एयर ना हो। अगर एयर बबल्स हो तो सिलिकॉन ठीक से पकड़ेगा नहीं और हमें प्रॉब्लम्स होगा। सिलिकॉन सिर्फ वो गैप में ही आ रहा है, 6 mm के गैप में, और टेप के ऊपर भी है थोड़ा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। ये टेप हम इसलिए डालते हैं ताकि सिलिकॉन फैले ना और गंदा ना हो। अभी हम ये ग्लास बिटाएंगे, पहले नीचे से, ठीक है, और फिर साइड्स, सिर्फ इसे प्रेस करना है और ठीक से पकड़ना है। और ये जो एजेस है, हाँ, वो अगर करेक्ट है, लेवल है, वो सब देख के क्लोज करना है। थोड़ा अभी दबा दिया जैसे संदीप कर रहे हैं और टेप डाल दिया। अभी वापस थोड़ा वो साइड में भी टेप डालेंगे ताकि वो एयर बबल्स वगैरह ना हो और टाइट से जॉइंट हो जाए। तो अभी हमारा टैंक बन के रेडी है। यहां पे क्या नहीं करना चाहिए, एक ये सिलिकॉन ऐसा लेवल करना, अंदर में लेवल करना, वो सब कुछ मत करो, ठीक है। थोड़ा भी ग्लास हिलाना पूरा का पूरा काम बिगड़ जाएगा। जो भी करना है वो प्रेस किया ना संदीप ने, आपने देखा, तभी सब कुछ चिपक गया है, हो गया है। ये जब हम टेप निकालेंगे वो एक्स्ट्रा सिलिकॉन वगैरह सब आराम से निकल के बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी इसको हम 48 आवर्स सूखने देंगे, कितना, 48 आवर्स, 2 दिन, ओके, सूखने देंगे, फिर बाद में टेप वगैरह निकालेंगे और एक्स्ट्रा सिलिकॉन क्लीन करेंगे, फिर आपका टैंक यूज करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं 48 आवर्स में। रुको 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 रुको, आप कहीं मत जाना,
आपके लिए सिर्फ 4 सेकंड में हो जाएगा, मेरे लिए और टैंक के लिए 48 आवर्स के बाद। ओके चलो, तो 48 आवर्स हो गया। ओके हमारे लिए 48 था, आपके लिए 4 सेकंड था। ओके टैंक पूरा सूख गया है, पूरा सिलिकॉन सूखा हुआ है, हाथ में नहीं चिपक रहा है, ठीक है, सब जगह कहीं पे भी एयर बबल्स नहीं है, कहीं पे भी एयर बबल्स नहीं है, मतलब दो ग्लास के बीच में सिलिकॉन पूरा है, हवा का कोई बबल्स या कुछ भी नहीं है। ओके अंदर भी पूरा सूखा हुआ है, सो दिस इज अ गुड साइन, अच्छा है, मतलब काम नीट हुआ है। अभी टेप निकालेंगे और जो सिलिकॉन है वो उसको क्लीन करेंगे। ऑलराइट चलो, तो इसके लिए संदीप को बुलाते हैं। टेप अगर आप अच्छा क्वालिटी का यूज करो तो ग्लास पे चिपकेगा नहीं, इजिली निकल जाएगा। अगर लो क्वालिटी का टेप यूज करोगे तो ग्लास पे चिपकेगा, गंदा होएगा, उसका गम वगैरह रह जाएगा। अभी अंदर का निकालेंगे और इसके लिए एक बहुत ही शार्प ब्लेड लगेगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सिलिकॉन है उसको हम काटेंगे, ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा एक अच्छा क्वालिटी का शार्प ब्लेड यूज करके हल्के से निकाल देते हैं तो वो एक्सेस सिलिकॉन पूरा निकल जाता है और सिर्फ सिलिकॉन दो ग्लास के बीच में रहेगा। अभी जब आप ब्लेड डालते हो तो ये ध्यान में रखना कि ब्लेड अंदर ना जाए, सिर्फ ये एज पे ही आप क्लियर करो, यहां पे ही काम करो। तो अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो ऐसे आप सिर्फ इधर ही साफ करो, अगर ब्लेड अंदर जाता है तो वहां पे होल आएगा और लीक आने का चांस होगा। अभी ये जो बाहर का सिलिकॉन है जो एक्सेस आया है वो भी ब्लेड से ही हम आराम से ऐसे निकाल देंगे, जो एक्सेस वगैरह है। ब्लेड को हम ग्लास के ऊपर चला रहे हैं, अगेन दो ग्लास के बीच में ब्लेड नहीं जाएगा और सिलिकॉन पूरा निकल जाता है। ये थोड़ा छोटा मोटा एक्स्ट्रा हम लोग काट लेंगे और ये क्लियर हो गया। अभी जैसे आपको दिख रहा है ये दो ग्लास के बीच में कोई भी एयर बबल्स कुछ भी नहीं, वो पूरा सिलिकॉन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेप डालने का यही फायदा है, जब हम टेप निकालते हैं तो टेप और सिलिकॉन आराम से निकल जाएगा और वो कोना साफ रहता है, नीट दिखता है। जब सिलिकॉन अच्छे से सूख गया होता है ना तब काम करना बहुत इजी होता है, वो इजीली निकल जाता है, चिपकता नहीं है। तो ये जरूरी है कि वो 48 आवर्स हम उसको सूखने के लिए टाइम दें। अगर वेदर थोड़ा बारिश वाला है तो और थोड़ा टाइम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो, और संदीप जैसा इतना सीरियस होके काम करना जरूरी नहीं है, थोड़ा हंस के भी काम कर सकते हैं, मजा आएगा। वैसे संदीप को ये काम करते हुए क्या है, कुछ 15 साल लगा, आराम से 15 साल से कर रहे हो, इजिली ना। हाँ अभी वो 18 साल का ही है बट 15 साल से भी कर रहा है। तो टैंक साफ हो गया, सिलिकॉन निकल गया, टेप निकल गया। ये जो काम है ना थोड़ा पेशेंस वाला काम है, आराम से करो, जल्दी में मत रहो, ठीक है। एक आधा दिन लगता है, लगने दो, आपको ब्रेक लेना है, बीच में चाय पीना है पी लेना, नो प्रॉब्लम, लेकिन आराम से करो, ठीक है। अर्जेंट में एक सब काम करोगे तो बिगड़ जाएगा। टैंक साफ हो गया तो नेक्स्ट स्टेप इसका, हम पानी भर के वाटर टेस्ट करेंगे 48 आवर्स के लिए, मतलब इसमें पानी भरिए और छोड़ दीजिए जितना ऊपर तक हो सकता है, 1 इंच छोड़ के पानी भर दीजिए ताकि इसमें हमें पता चले कि कोई लीक है या ना। तो 48 आवर्स हम इसको छोड़ देंगे और इसको साफ करने का सिंपल बेसिक मेथड्स है,
काफी लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करते हैं, काफी लोग पोटेशियम परमैंगनेट या पीपी यूज करते हैं। मुझे केमिकल्स यूज करना अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करता हूं, ये टैंक के लिए 2 मुट्ठी रॉक सॉल्ट या नमक डालता हूं और नमक के पानी से हाथ से वाइप करता हूं, वॉश करता हूं, पानी निकाल के साफ पानी से वॉश करके फिर ये टैंक साइकिल होगा। साइकिल होने के बाद इसमें आप जो मर्जी डाल सकते हैं। नाउ इसमें एक एडिशनल पॉइंट है, अगर आपको कोई डर है कि ग्लास उतना क्वालिटी का नहीं है तो आप ऊपर में ब्रेस भी लगा सकते हो, ठीक है। ऊपर से एक पट्टी दे देंगे ग्लास का, 1 इंच का पट्टी इधर से इधर, ठीक है, वो ब्रेस बनेगा, उसको सपोर्ट देगा, ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। ये आपका ग्लास के क्वालिटी के ऊपर है। आज आपने देखा कि एक ग्लास का टैंक हम घर में कैसे बना सकते हैं, कौन सा सिलिकॉन यूज करते हैं, टेप कैसे डालते हैं, मेजरमेंट्स क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से, संदीप जो हमें मदद किया ये सब करने के लिए, उसके तरफ से भी थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, एक और सुपर आइडिया है, ठीक है, DIY फिल्टर्स के बारे में, इंटरेस्टिंग आइडिया है ना, उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। बस मैंने डिसाइड किया है जब तक मैं 75,000 सब्सक्राइबर्स पे ना आऊं DIY फिल्टर नहीं दिखाने वाला हूं। तो फटाफट करो, सब्सक्राइब करो और 75,000 पे आते हैं। DIY फिल्टर ऐसा दिखाऊंगा आपको, इतना सस्ता है, इतना इंटरेस्टिंग है, आप मानोगे नहीं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।